सॉल्ट एनालिसिस का भी एक्सरसाइज टू डिस्कशन पेंडिंग है, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, परसों लेक्चर है उसमें कर लेंगे हम एक्सरसाइज टू सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, मुझे याद दिला देना। रिडॉक्स टाइट्रेशन, फर्स्ट दैट वी हैड सीन इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, नाउ द रिडॉक्स टाइट्रेशन। इन रिडॉक्स टाइट्रेशन डेफिनेटली द रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विल बी इक्वल। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट एट पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस और वी कैन से एंड पॉइंट, थियोरेटिकली दोनों सेम ही होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्टेंट, ये मेन कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलो फर्स्ट केस, टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in all three medium, acidic, basic and neutral medium, सारे ही medium में काफी strong oxidizing agent होता है। अब हमें तीनों medium में इसके products देखते हैं, KMnO4 plus 7 oxidation state, acidic medium में बनाता है Mn2+, clear, n factor in acidic medium, n factor for KMnO4, acidic medium में हो जाएगा 5 plus 7 से plus 2 transition, so n factor in acidic medium will be 5. Second case, neutral or mild basic medium, ये बनाता है MnO2, यहां पर Mn एग्जिस्ट करता है प्लस 4 में, n फैक्टर विल बी 3। थर्ड केस, बेसिक और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम MnO4 2 माइनस ये एग्जिस्ट करता है प्लस 6 में, n फैक्टर इज 1। सो इन थ्री डिफरेंट मीडियम इट कैन गिव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। पहले केस में ये Mn2+ बनाएगा एसिडिक मीडियम में, सेकंड केस में न्यूट्रल और माइल्ड बेसिक मीडियम में ये बनाता है MnO2 प्लस 7 से प्लस 3 सॉरी प्लस 4 n फैक्टर इज 3 एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में बनाता है प्लस 6 वाला, क्लियर। तुम इसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हो, एसिडिक मीडियम में H+ है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, कम पॉजिटिव चार्ज, बेसिक मीडियम में OH- ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला स्टेबल होगा। जनरली इन दोनों का ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, प्लस 6 वाला काफी रेयर यूज आता है।
Titration involving K2Cr2O7 potassium dichromate. It is also a good oxidizing agent, but only in acidic medium. Generally, ये basic and neutral medium में react नहीं करता है. यदि इसका reaction हो रहा है, तो acidic medium में होता है. और again, हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है. Question में reaction दे दिया है, medium के बारे में कुछ mention नहीं है, neutral भी दे रखा है. तो फिर हमें reaction दिया है, use कर लो. इसका impact होगा 6. एक ही type का product बनेगा, Cr3+. K2Cr2O7 का इन्फेक्टर विल बी 6.
सर बोलो सर वो मैं दिख रहा था बस चलो एक मिनट सुन लो फिर कॉपी करना तुम्हें समझ में आएगा कैसे क्या लिखना है क्यों लिखना है. टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग H2C2O4 और ऑक्सलेट आयन ऑक्सलिक एसिड ऑक्सलेट आयन का कुछ अधिक टाइट्रेशन में इन्वॉल्वमेंट है. इट कैन इन्वॉल्व इन बोथ टाइप ऑफ टाइट्रेशन एसिड बेस एज वेल एज रिडॉक्स टाइट्रेशन. एसिड बेस टाइट्रेशन यदि हम देखें सबसे पहले एसिड बेस टाइट्रेशन में इट कैन रिएक्ट विद एनी बेस इट हैज एच प्लस आयन एन फैक्टर विल बी नंबर ऑफ एच प्लस आयन पर मॉलिक्यूल जितने भी एच प्लस आयन है. एग्जाम्पल पे आ जाओ H2C2O4 कितने एच प्लस आयन है 2H+ आयन एन फैक्टर विल बी 2. एक एडिशन प्रोडक्ट है K2O4.H2C2O4 इसमें कितने एच प्लस आयन है 3H+ आयन है. तो यहां पर यदि तुम इन फैक्टर निकालोगे नंबर ऑफ एच प्लस आयन इसका एन फैक्टर आ जाएगा 3 3 एच प्लस आयन मिलेंगे हमें क्लियर एन फैक्टर विल बी 3. सो वॉट एवर द नंबर ऑफ एच प्लस आयन विल बी एन फैक्टर फॉर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. अब आते हैं हम रिडॉक्स टाइट्रेशन पे. रिडॉक्स टाइट्रेशन में यहाँ पर ऑक्सलेट में जो कार्बन एटम है इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज फ्रॉम +3 to +4. तो जितने भी कार्बन होंगे हर कार्बन का चेंज 1 जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतना एन फैक्टर हो जाएगा. तो एन फैक्टर विल बी नंबर ऑफ कार्बन एटम. यहाँ पर कितने कार्बन है 2 कार्बन +3 से +4 कितना चेंज है 1 का 1 × 2 H2O4.H2C2O4 टोटल 4 कार्बन एटम्स सारे के सारे +3 से +4 में जाएंगे एन फैक्टर हो जाएगा 4. क्लियर +3 +3 +4. और ये किससे रिएक्ट करेगा ये जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऐड करेंगे ऑक्सलेट आयन उससे रिएक्ट कर सकता है. ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरों को रिड्यूस करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा. On oxidation change can undergo oxidation change on reaction with oxidizing agent. इसकी बात करें हम ऑक्सलेट आयन की. Clear? C2O4 2- can undergo oxidation change on reaction with OA, oxidizing agent. सर बोलो क्या बोल रहे हो सर. बोर्ड का ऊपर वाला पार्ट विजिबल नहीं है. ऊपर वाला मतलब क्या नहीं दिख रहा है बताओ. हमने लिखा है देखो KHC2O4.H2C2O4 के ऊपर जो लिखा है रिएक्शन विजिबल होना तो चाहिए मतलब मुझे तो दिख रहा है स्क्रीन पर और को नहीं दिख रहा अभी दिख रहा है वो दिख रहा है सर. सर वो मेरे यहाँ पे कुछ तो आ गया है अटक गया है वो इसके लिए नहीं दिख रहा है. ज़ूम आउट कर दिख रहा है सर आधा ही दिख रहा है.
कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस, थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करना है। एक एक क्वेश्चन लिखो, उसे सॉल्व करते चले जाओ। Thank you.
Find moles of KMnO4 required to react with 30 ml 0.2 molar FeSO4. ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है FeSO4 में आयरन प्लस टू में सल्फर प्लस सिक्स में. सल्फर कैन नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज. इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज पॉसिबल प्लस सिक्स. ये प्लस टू से प्लस थ्री में जा सकता है तो प्लस टू से प्लस थ्री में जाएगा इसका एन फैक्टर हो जाएगा वन. क्या अब एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर फाइव, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में एन फैक्टर वन, माइल्ड बेसिक मीडियम में एन फैक्टर थ्री. चलो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करते हैं हम. फर्स्ट केस वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 वॉल्यूम इनटू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर एसिडिक मीडियम फाइव दैट शुड बी इक्वल टू. अच्छा एक मिनट हमें उसका कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा था, हमें मोल्स उसका पूछा है ना. ये तो इसका हो गया FeSO4 के इक्विवेलेंट वॉल्यूम मोलारिटी इनटू एन फैक्टर वन. क्लियर. तो नंबर ऑफ मिली मोल्स फॉर KMnO4 इनटू एन फैक्टर फाइव वॉल्यूम मोलारिटी इनटू एन फैक्टर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए. नंबर ऑफ मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर फॉर KMnO4 उसके मिली मोल्स आ जाएंगे मिलीलीटर है. सॉल्व करोगे आंसर इसका आ जाएगा 6/5. KMnO4 के जो मोल्स रिक्वायर्ड है वो 6/5 1.2 मिली मोल इतना रिक्वायर्ड है. स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा इस फाइव की जगह तुम्हें वन लिखना है और थर्ड केस में माइल्ड बेसिक मीडियम में थ्री लिखना है. तो एक बार फाइव एक बार वन एक बार थ्री. क्या इतना क्लियर है. फर्स्ट क्वेश्चन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वेट करना है. अथर देवदत्ता धनंजय हर्षल इज दैट ओके. Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ K2Cr2/7 मोलारिटी उसका एन फैक्टर होता है 6. वॉल्यूम मोलारिटी एन फैक्टर फॉर K2Cr2/7 सेकंड का ए पार्ट 40 ml 0.1 मोलार दिस. ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा. K2Cr2/7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसे ऑक्सीडाइज करेगा. तो वॉल्यूम 40 ml मोलारिटी 0.1 एन फैक्टर कितने कार्बन एटम्स हैं 4 कार्बन एटम्स. दे कैन अंडरगो +3 to +4 ऑक्सीडेशन चेंज. N factor will be 4. So first part ka answer aa jayega 6 5 30 0.3 point cancel 3 bacha 4 4 160 by 3 ye answer aa jayega first part ka. Second part 3 moles of H2C2O4 so volume into molarity 0.05 into N factor 6 is equal to number of moles into n factor 2. और ये volume liter में आएगा क्योंकि यहाँ पे moles हैं. Clear? Millimoles नहीं है. तो volume liter में आ जाएगा. ये आ जाएगा 6 5 30 0.3 10 20 liter. Check करो second question. दोनों part कुछ doubt है तो clear करो भी. स्वयं प्रकाश तन्मय तेजस क्लियर है इतना. यस सर क्लियर है. यस सर क्लियर है.
तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के जो डिफरेंट फॉर्मूले उनमें से हमें यूज करते जाना है, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, थर्ड क्वेश्चन में नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम यूज आएगा, एन फैक्टर पिक्चर में नहीं आएगा, ऑलरेडी नॉर्मलिटी दे रखी है क्वेश्चन में. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर. पहला एसिड बेस रिएक्शन होगा, एन फैक्टर विल बी 1. सेकंड रिडॉक्स रिएक्शन होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी 2, सो एन फैक्टर इज 2. तो KHC2O4 का एन फैक्टर पहले केस में 1 है, दूसरे केस में 2 है. क्लियर? इसके लिए फॉर्मूला लगाया है वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी. वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी, यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई एन फैक्टर हियर क्योंकि ऑलरेडी नॉर्मलिटी दे रखी है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दिस इनटू दिस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दिस इनटू दिस. अब एसिडिक मीडियम दिया भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नॉर्मलिटी दे रखी है, इनफेक्टर पिक्चर में ही नहीं आएगा. इज दैट ओके? चेक करो थर्ड क्वेश्चन. सुयश, स्वाति, सिद्धांत, यस सर, यस सर. चलो नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन.
हमने पहला केस देखा था टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग KMnO4, सेकंड वन टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड द थर्ड वन टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग ऑक्सलेट आयन. नाउ द फोर्थ वन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझने का है यहाँ पर. आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक, फोर्थ एंड फिफ्थ केस. इट इज यूज टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, ये हमें ये तो पता है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट कितना अमाउंट है वो नहीं पता है. क्या ये किया एक्सेस में, एक्सेस में इसलिए किया ताकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो, ये 100% रिएक्ट कर जाए. तो दिस कैन ऑक्सीडाइज आई माइनस माइनस वन टू जीरो ऑक्सीडाइज किया आयोडीन को, आई टू बनाया. हो सकता है कभी कभी आई माइनस से आईओ थ्री माइनस भी बन जाए, गिवन इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा. क्लियर, ये जीरो की जगह प्लस फाइव तक भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, डिपेंड है कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब ये खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा इसका रिड्यूस फॉर्म. ये जो I2 बना है फर्स्ट रिएक्शन से, नाउ वी नीड टू ऐड हाइपो सॉल्यूशन, Na2S2O3 इज कॉल्ड हाइपो. हमने हाइपो सॉल्यूशन ऐड किया, I2 से रिएक्ट किया, खुद I2 रिड्यूस होगा I- में, हाइपो को ऑक्सीडाइज करेगा Na2S4O6 में प्लस 2.5 में. क्लियर, n फैक्टर 0 टू -1, दो आयोडीन टू n फैक्टर, प्लस 2 टू प्लस 2.5, 0.5 का चेंज, टू सल्फर एटम्स 1, इसका 1 प्लस 2.5 से प्लस 2.5 इनटू 4 सल्फर एटम, इसका 2 आ जाएगा इन फैक्टर. क्या इतना समझ में आ रहा है जितना बोर्ड पे लिखा है इन फैक्टर इन ऑल? साक्षी, संकेत, सर्विल, सही, इज दैट ओके? किसी में इन फैक्टर में प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, अभी क्लियर करो. यस सर. हमें दो बार लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आई टू इन फर्स्ट रिएक्शन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आई टू इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन Na2S2O3 इन सेकंड रिएक्शन. अच्छा, काफी बार हम ये यूज कर पाएंगे, इसके जितने इक्विवेलेंट होंगे उतने ही आई टू के इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे, और जितने आई टू के इक्विवेलेंट यहाँ पर है उतने Na2S2O3 के होंगे. इन दोनों के इक्विवेलेंट से, इन दोनों के सेम, तो आप इन दोनों के इक्वेट कर सकते हैं. ये कुछ केसेस में सही होगा, कुछ केसेस में गलत होगा. द रीजन इज इफ द एन फैक्टर ऑफ आई टू हियर एंड हियर इज नॉट सेम, जो काफी बार हो सकता है, यहाँ पे बजाय आई टू के आई माइनस से कुछ और बन रहा है, यहाँ आई टू जो बन रहा है किसी और दूसरे रिएक्टेंट से बन रहा है, तो उन सिनारियों में जहां पर एन फैक्टर डिफरेंट आ जाएगा आई टू का, हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते आई टू के जितने इक्विवेलेंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुए उतने ही इक्विवेलेंट यहाँ पे रिएक्ट करेंगे. मोल्स प्रोड्यूस will be equal to moles reacted from here, that is okay, but number of equivalent mein n factor aa jata hai, n factor reaction pe depend karta hai, ek hi substance ke alag alag n factor possible hain, jo bhi dekha tha apne KMnO4 ke liye, acidic medium mein alag, basic medium mein alag, neutral medium mein alag, so moles will remain same, yahan pe 5 mole produce hota hai, yahan pe 5 moles react karenge, but that does not mean the number of equivalent will be same, kuch cases mein ho sakta hai possibly same ho, kuch cases mein na ho. हमें ऐसा नहीं करना है ना, ये दोनों सेम तो ये दोनों सेम, ऐसा कभी नहीं यूज करेंगे. अलग अलग रिएक्शन पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाओ, उसका एन फैक्टर का मल्टीप्लाई करो रिस्पेक्टिव रिएक्शन का और सॉल्व करो. ठीक है, सो बेसिकली हम लॉजिक ये यूज करेंगे, मोल्स ऑफ आई टू प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट रिएक्शन must be equal to moles of I2 reacted from second reaction. ये use कर सकते हैं बजाय equivalent. अभी question दूंगा, थोड़ा सा और idea लगेगा कि कैसे deal करना है इससे. Iodo O लिखा है oxidizing agent को determine करेंगे, Iod लिखा होगा reducing agent को determine करेंगे.
चलो सेकंड समझ लो फिर कॉपी करना. आयोडी मेट्रिक टाइट्रेशन इट इज यूज टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. सेकंड रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. फर्स्ट में हमने जो आई माइनस लिया था बजाय आई माइनस के नाउ वी नीड टू टेक आई टू. तो आई टू हमने लिया रिड्यूसिंग एजेंट आई टू को रिड्यूस करेगा आई माइनस और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ये जो आई टू यहाँ पे हमने एक्सेस में लिया है ये 100% रिएक्ट किया. लेट्स से जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसके यहाँ पर आई टू के इसको 100% रिएक्ट करवाने के लिए 3 moles रिक्वायर्ड है. हमने ले लिए 7 moles. 3 moles यहाँ से रिएक्ट किए बचे हुए 4 moles सेकंड रिएक्शन से रिएक्ट करेंगे. द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आई टू रिएक्टेड फ्रॉम द सेकंड रिएक्शन. आयोडो और आयोडी में सेकंड रिएक्शन सेम है. तो ये रिएक्शन सेम होगा. एन फैक्टर आई टू से आई माइनस 2 1 2 1 1 2. तो इसका एन फैक्टर में तो कोई चेंजेस आए नहीं है. अब लॉजिक क्या यूज होगा यहाँ पर. पहले आई टू प्रोड्यूस हो रहा था वो रिएक्ट कर रहा था. अब आई टू बचा हुआ रिएक्ट कर रहा है. इनिशियली हम जितना आई टू लेंगे वो हम काउंट कर लेंगे टेकन इनिशियली. ये हमें पता होगा क्लियर. अच्छा ये जो सेकंड रिएक्शन है इससे कितना आई टू रिएक्ट करेगा. अब ये हमें पता होगा. कैसे पता होगा. सेकंड रिएक्शन में इंडिकेटर. अच्छा एक क्वेश्चन में जो तुम्हें तुम्हारी तरफ से एंड से एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये था कि हमने ये फर्स्ट रिएक्शन से रिएक्शन करवाया फिर सेकंड करवाया. हमने फर्स्ट रिएक्शन से इंडिकेटर डाल के क्यों नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर लिया. मतलब उसका जो भी इक्विवेलेंट है क्यों कैलकुलेट नहीं किए. एक्चुअली ये जो फर्स्ट रिएक्शन है हो सकता है कुछ रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमारे पास इंडिकेटर हो कुछ के लिए नहीं हो. तो इंडिकेटर हर रिएक्शन के लिए मिले ऐसा जरूरी नहीं है. बट जो सेकंड रिएक्शन है इसके लिए हमारे पास इंडिकेटर होता है. इस रिएक्शन के एंड पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट को इजीली डिटेक्ट कर लेता है. इसलिए हम एक रिएक्शन करवा के इस रिएक्शन पे फाइनली आ रहे हैं दोनों केस में. तो हमारे पास इसका इंडिकेटर आएगा कि ये हाइपोसोल्यूशन कितना ऐड करने की पूरा रिएक्ट कर जाए. तो ये दोनों केस में आयोडी और आयोडी आयोडो और आयोडीमेट्रिक में तो इसका अमाउंट हम डिटरमाइन करेंगे. उससे ये पता लगेगा कि ये कितना रिएक्ट किया है सेकंड रिएक्शन. इनिशियली कितना लिया था वो हमें पता है. यहाँ से कितना रिएक्ट किया वो हमें पता है. तो हम ये निकाल लेंगे. ये आ गया तो रिड्यूसिंग एजेंट का अमाउंट आ जाएगा. तो इनिशियली टेकन ये हमें पता था इज इक्वल टू मोल्स ऑफ आई टू रिएक्टेड फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन प्लस मोल्स ऑफ आई टू रिएक्टेड फ्रॉम सेकंड रिएक्शन. तो सेकंड रिएक्शन का हमें एंड पॉइंट मिलेगा. हमें इनिशियल पता है ये कैलकुलेट करेंगे. वंस यू गेट दिस लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा देना रिड्यूसिंग एजेंट का अमाउंट आ जाएगा. सो पहले आई टू प्रोड्यूस हो रहा था अब आई टू इनिशियली जो लिया है वो हमें पता है कितना लिया गया. तो ये कैलकुलेट करेंगे दिस माइनस दिस. क्या समझ में आ रहा है इतना.
एग्जाम में क्वेश्चन में कभी ये नहीं दिया होगा कि आयोडोमेट्रिक है आयोडीमेट्रिक है, हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा ना कि कौन सा केस है। एक क्वेश्चन लिखो सॉल्व करो, देन सेकंड क्वेश्चन लिखना है फिर सॉल्व करो। अच्छा कल मैंने ग्रुप पे वो पोस्ट किया था, जेई का कुछ नोटिस आया था बट वो अगेन विदड्रॉ किया गया रात को वापस से, जेई एनटीए के साइड से वो हटा दिया गया है। उसमें थोड़ा बहुत अपडेट होगा, डेफिनेटली 100% तो चेंज नहीं होगा, वो शायद उन्हें कुछ अपडेट करना होगा इसलिए हटाया गया है, बट डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट इन फेब एंड, हो सकता है दो अटेम्प्ट हो सकता है चार अटेम्प्ट, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है अभी, बट फर्स्ट अटेम्प्ट तुम फेब एंड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर पर चार अटेम्प्ट होने वाले ऐसा दिया है उन्होंने? किसमें दिया है सर? उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया था। हाँ वही बोल रहा हूँ, उन्होंने जो कल दिया था ना उसे विड्रॉ किया है वापस, तो ठीक है मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चार अटेम्प्ट दो तो हम प्रिपेयर है। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छा अटेम्प्ट होता है ना, जिसमें सबसे अच्छा स्कोर लाने की पॉसिबिलिटी बनती है, वो होता है फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तुम काफी अच्छे से दो, वो ज्यादा मैटर करता है ना। और फिर ये भी होता है, ये मैं तुम्हें बता दूं, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट तुम अच्छे से दे दोगे तो हम थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, चलो हमें जे एडवांस पे फोकस करना है, फिर तो हमारे पास जो भी 2-3-4-5 महीने बचेंगे या उसमें हम जे एडवांस, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मई में होता है, मैक्सिमम जून तक एक्सटेंड होगा, बस जून से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा एडवांस। तो हमारे पास अप्रैल के बाद मार्च अप्रैल और मई 2-3 मंथ्स बचेंगे, इन 3 मंथ्स में हम पूरा अच्छे से जे एडवांस पे फोकस कर सकते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से देना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ जे मेंस का ही पढ़ना है, पढ़ना हमें एडवांस का भी है, मतलब यदि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम चलो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करके छोड़ दें, नहीं तो हमें फिर बाद में अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो इतना टाइम बाद में भी नहीं हुआ कि सारे चैप्टर के अच्छे कर दोगे। तो बेसिक थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, क्लियर?
जेईई मेंस के प्रैक्टिस टेस्ट थोड़े से ज्यादा देने एडवांस की कंपैरिजन में, बट एट द सेम टाइम जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअली हमें समझ में आना चाहिए. ऐसा नहीं मेंस में भी स्कोर आ जाएगा बिना कॉन्सेप्ट समझे. तो मेंस पहला अटेम्प्ट अच्छे से चला जाता है हमारा, तो हमें इवन सेकंड थर्ड दो ना दो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. लास्ट ईयर भी जो 12th का बेस था सबसे अच्छा स्कोर जो आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आया था. और जनरली रिपीटर्स बैच के लिए होता है कि जो सेकंड अटेम्प्ट होता है वो बेटर होता है, क्योंकि उनका सिलेबस मतलब थोड़ा लेट स्टार्ट करता है, तो सिलेबस लेट तक चलता है, इसलिए उनके लिए सेकंड अटेम्प्ट बेटर होता है. और जो 12th के बच्चे उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट बेटर होता है. मतलब हमने 26-27 सिलेक्शन थे लास्ट ईयर, मुझे ध्यान है रफली 30-35 बच्चों को सेकंड अटेम्प्ट के लिए मतलब हमने बिल्कुल भी फोकस करवाया ही नहीं था. सिर्फ यही बोला था फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ कि अब बिल्कुल जे एडवांस पे फोकस करो, तुम जे एडवांस पढ़ोगे तो वैसे भी जेई मेंस अच्छा हो ही जाएगा सेकंड अटेम्प्ट भी. फर्स्ट अच्छा होने से कॉन्फिडेंस आता है, चलो ठीक है हम एटलीस्ट इस लेवल पे तो हैं भी कि हाँ NIT तो अच्छा मिल ही जाएगा, मैं थोड़ा अब एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा. चलो इसका आंसर आएगा तो चैट बॉक्स में रिपोर्ट करना ना जिसका भी आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का. ये आयो दो मेट्रिक का है, आयो डी मेट्रिक का है, क्या लगता है? आयो डी. ठीक है, और मैं नहीं भी समझ में आ रहा आयो डो आयो डी, तुम रिएक्शन लिखो उसे एनालाइज करो. अच्छा ऐसा बेसिक लॉजिक समझ में आना चाहिए, जैसे सेकंड में थोड़े से रिएक्शन डिफरेंट होंगे. इफ यू गेट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स. सिर्फ धनंजय का आंसर आया अब तक और किसी का भी आंसर नहीं आया है. धनंजय फर्स्ट का आंसर सही है वैसे तुमने जो रिपोर्ट किया है. तेजस ऋतुजी स्वाति आंसर नहीं आया अब तक फर्स्ट क्वेश्चन का. यस नो कुछ तो बोलो.
moles of I2 taken 0.381 gram upon 127 254. Iodine atomic mass 127, mass 254. इतने moles of I2 हमने लिए हैं. Clear? And I2 taken initially is equal to moles of I2 reacted from the first reaction. Plus moles of I2 reacted from the second reaction. चलो अब सेकंड रिएक्शन से कितना रिएक्ट किया इसके लिए हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है. इसके लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा लो सेकंड रिएक्शन पर. सो सेकंड रिएक्शन पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लाएंगे. मोलारिटी इनटू वॉल्यूम 0.1 इनटू 20. क्लियर? इसका एन फैक्टर 1 होता है. वॉल्यूम मोलारिटी एन फैक्टर 1. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इनटू एन फैक्टर जिसे डिवाइड कर दो 2. Moles of I2 आ गए second reaction से जितने rate में. कितना आ गया ये? 20 into 0.12 by 2, 1 millimoles, milliliters आ गए. तो 1 millimole of I2 reacted from the second reaction. इसे भी millimoles में convert कर लेते हैं, 1000 का multiply करके. ये आ रहा है 1.5, 381 upon 254. तो basically 1.5, ये आ रहा है 1.5 minus 1, तो ये मिल जाएगा हमें 1 millimole. Okay, 1 millimole आ गया, तो यहाँ पे log chemical equivalence लगा दो. Fe2 plus का volume दे रखा है 10 ml, molarity m, n factor 1. It should be equal to number of millimoles of I2 which is 1. एक मिनट, ये था हमारा 1.5, ये था 1, ये आएगा 0.5. ये हमें मिला था 1. Second reaction से जो react किया. और ये आया 1.5, तो 0.5 आ गया हमारा millimoles of I2 into n factor 2. So molarity आ जाएगी हमारे पास 1/10, 0.1 molar. Solve करो, m आ जाएगा 0.1. समझ में आया first question या नहीं आया? Moles of I2 taken, reacted from first, reacted from second, और दो बार law of chemical equivalence लगाया, इन दोनों को replace कर दिया. इसको Fe2 plus की molarity के respect में, इसको already one आ जाएगा second reaction के लगाने पर. तो ये रहे श्रेयस, सिद्धांत, अनुराग, अंकित, सर्विल. Yes sir. Yes sir. Basically reaction लिखना है, law of chemical equivalence लगाना है. जैसे सेकंड रिएक्शन प्रिडिक्ट करना है, देखो कैसे करेंगे. H2S gas was bubbled to 10 ml of KiO3 solution. H2S और KiO3 ये तो हमें समझ में आता है फर्स्ट रिएक्टेंट होगी. क्लियर? द लिबरेटेड I2 मतलब I2 इसका वन ऑफ द प्रोडक्ट होगा, प्लस साइट्रेटेड बाय 20 ml Na2S2O3 मतलब ये वाला सेकंड रिएक्शन कुछ ऐसे रहा होगा. इसका प्रोडक्ट हमें पता है I- Na2S4O6. Find molarity of KiO3 and volume of SO2 produced. मतलब पहले रिएक्शन में SO2 प्रोड्यूस हो रहा होगा सल्फर से. So if we read the question, we can easily predict the reaction. उसको कैसे क्या हमें दे रखा है, कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, सब कुछ इंफॉर्मेशन. क्लियर? इसका तुम n फैक्टर निकालोगे सभी का, -2 +5 0 +4. N factor will be -2 to +4, 6, 5, 10, 6. -2 to +4, 6 का change, +5 to 0, 5 का change. इसमें दो iodine atom आ गए, 5 into 2, 10 हो जाए. बाकी second reaction का तो हमें पता ही है. जल्दी से log chemical equivalence use करो दोनों reaction पे. Moles of I2 produced from here equal to moles of I2 reacted from here. यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, दोनों के I2 के मोल्स निकाल के इक्वेट कर दो और आंसर बताओ क्या आएगा.
हमें इसकी मोलारिटी बतानी है। मैं वेट कर रहा हूं ना, दो बार लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लिखना है हमें। धनंजय आंसर सही है। H2S गैस, फर्स्ट पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लाएंगे, वॉल्यूम ऑफ KiO3 इनटू मोलारिटी इनटू n फैक्टर 5, मोल्स ऑफ I2 इनटू n फैक्टर 10 फॉर द फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन, वॉल्यूम ऑफ Na2S2O3 इनटू मोलारिटी इनटू n फैक्टर, moles of I2 reacted from the second reaction into n factor. हमें calculate करना है molarity of this. चलो एक काम करो, दोनों का ratio ले लो। यहाँ पे n factor अलग अलग हैं, इसलिए मैंने बोला था यहाँ पर equivalent भी यहाँ पे equivalent अलग होंगे। moles will be same. जितने moles produce हुए उतने ही रिएक्ट हैं। दो ratio लिया, ये 55, ये 5 cancel. यहां पर ये 0 कैंसल, बचा लेफ्ट साइड में सिर्फ m, राइट साइड में 1, मल्टीप्लाई कर दो 0.2 आ रहा है मोलारिटी। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस दो बार लिखा और सॉल्व किया है, चेक करो कुछ डाउट है तो। तेजस 0.1 कैसे आया था, क्या गलत किया था? हाँ सर, देख रहा हूँ मैं। अब तुम्हें इसका वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर, तो एक काम करो I2 इन दोनों पे किसी भी दो पर लॉग केमिकल इक्विवेलेंस यूज करो, मोल्स इनटू एन फैक्टर, वंस यू गेट द मोल्स into 22.4, STP पे वॉल्यूम आ जाएगा मोल्स into 22.4।
चले हम आगे, एक छोटा सा हेडिंग और कर लेते। हाँ परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये हेडिंग है, बुकलेट का ही फोटो है, जस्ट वहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रिया सुन लेना फिर कॉपी करना है। द वेट ऑफ अवेलेबल Cl2 रिलीज फ्रॉम द गिवन सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स और CO2 इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ऑल दिस आर ब्लीचिंग पाउडर। Clear? जब भी ये किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे या CO2 से रिएक्ट करेंगे, दे कैन रिलीज Cl2। इस बार जेई मेन में एक क्वेश्चन आ चुका है जनवरी अटेम्प्ट में इस पे बेस्ड। क्लियर? सो H2SO4 से या किसी भी एसिड से रिएक्ट किया, Cl2 रिलीज हो रहा है, और ये जो Cl2 रिलीज हो रहा है, दिस इज बेसिकली परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन, मींस कितना वेट क्लोरीन का यहाँ पे रिलीज हुआ है, डिवाइडेड बाई इनिशियल वेट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इनटू 100 परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन। सिंपल सा लॉजिक है, CaCl2 से जितना भी मैक्सिमम Cl2 हम रिलीज कर सकते हैं, वेट ऑफ Cl2 रिलीज अपॉन टोटल वेट ऑफ द सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इनटू 100। क्या इतना क्लियर है? ये रिएक्शंस हमें पता होनी चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट परफॉर्म कैलकुलेशन इन द क्वेश्चन बिना रिएक्शन पता किए। मेथड ऑफ डिटरमिनेशन, हमने CH3COH ऐड किया सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में, Cl2 रिलीज हुआ। Cl2 को जनरली फिर हम क्या ही से रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पर KCl बनेगा, I2 रिलीज होगा, ये शॉर्ट ऑफ आयोडोमेट्रिक आयोडोमेट्रिक वाला केस हो गया ना, मतलब Cl2 Cl- में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के हेल्प से Cl2 को डिटरमाइन कर सकते हैं, या कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रखी तो उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस टू रिएक्शन इज फॉर आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्लियर? यहाँ पर इंडिकेटर स्टार्च होता है, जो मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड रिएक्शन का। तो एंड पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर, जो ब्लू कलर होगा वहां पे एंड पॉइंट डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब एंड पॉइंट पे ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ओके, फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज कर लो सेकंड रिएक्शन पे, फर्स्ट रिएक्शन पे, जैसा अभी हमने काफी क्वेश्चन में किया है, और Cl2 के मोल्स निकाल लो। तो वंस वी गेट द मोल्स ऑफ Cl2, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मास ऑफ Cl2 निकाला है उन्होंने, मास ऑफ Cl2 प्रोड्यूस, परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन, mass of Cl2 produce upon weight of the sample into 100. Anyhow, we need to determine Cl2 release. उन्होंने iodometric titration के help से उसको calculate किया है। क्या समझ में आता है? Basic logic बहुत simple सा है, just एक छोटा सा concept है। Percentage available chlorine जितना Cl2 release हुआ upon sample का weight into 100. Cl2 कितना release हुआ उसको iodometric titration के help से calculate किया गया। Is that okay? क्या इतना समझ में आया है? श्रीतोष, संकेत, एक एग्जांपल दे रखा है वो भी देख लेते हैं फिर कॉपी करना। 3.55 ग्राम सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सस्पेंडेड इन H2O वाज ट्रीटेड विद इनफ एसिटिक एसिड एंड KI सॉल्यूशन, आयोडीन दस लिब्रेटेड रिक्वायर्ड 80 ml ऑफ 0.2 मोलर हाइपो फॉर टाइट्रेशन। हमें ये फॉर्मूला, मैं नहीं बोलूँ कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला याद रखना है, तुम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो ना, मतलब बेसिक लॉजिक से जा सकते हो, कितना हाइपो यूज हुआ उससे आयोडीन निकाल लिया। क्लियर? अब जितने आयोडीन के मोल्स होंगे उतने ही Cl2 के मोल्स होंगे, तो Cl2 का वेट आ जाएगा, वेट ऑफ Cl2 अपॉन वेट ऑफ द सैंपल 3.55 ग्राम इंटू 100, ये किया है उन्होंने। क्लियर? सो 80 ml इंटू 0.2, ये हो गया 80 × 0.2 into n factor is 1, so you get 16 milli equivalent for hypo, aur itne hi milli equivalent kiske honge, I2 ke honge, clear, utne hi milli equivalent Cl2 ke honge, jab hum milli moles pe jayenge milli equivalent se, to n factor se divide kar do, 8 milli moles aa rahe hain Cl2 ke, clear, ab 8 milli moles Cl2
तो 8 मिलीमोल्स 8 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स, उसके मोलार वेट का मल्टीप्लाई कर देना Cl2 के 71 का डिवाइडेड बाय टोटल वेट, चेक कर लेना आंसर मैच करेगा। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है? इज इट ओके? कॉपी कर लो जल्दी से, होमवर्क भी बता देता हूं मैं। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मुश्किल से 15-20 मिनट का बचा है बस ये चैप्टर। कहीं भी तुम्हें वॉल्यूम स्ट्रेंथ या हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो वो मत करना, बाकी के क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे वैसे क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं उसमें। तो एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन ए सेक्शन ई एंड एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ होमवर्क। ये पूरा पेज कॉपी करना है विद एग्जांपल ना, प्रसाद कॉपी हो गया है क्या? यस सर, वेट कर रहा हूं मैं एक मिनट और, जिसका कॉपी नहीं हुआ है कर लो। होमवर्क ग्रुप पे पोस्ट कर दिया मैंने, एक्सरसाइज 1 सेक्शन ई एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट, और हम वो भी डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में। Salt analysis. You may leave now. यदि तुम्हारा हो गया है कॉपी तो जा सकते हो फिर।